नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और प्रिय मित्रजनों, आज मैं आयुषी सिंह, कक्षा 9वीं आर्मी पब्लिक विद्यालय दिनजान की छात्रा, आप सबके समक्ष हिंदी कविता प्रतियोगिता के इस अवसर पर अपनी एक छोटी सी हिंदी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे इस कविता का शीर्षक है मेरा लक्ष्य और इस कविता के कवि का नाम है श्री अविनाश माधव जी और वे औरंगाबाद महाराष्ट्र के। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे पूरा करने में लोग पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य ना हो, अर्थात लक्ष्य ही व्यक्ति का तो जीवन में ना कोई मोल होता है ना ही उसका कोई अधिकार होता है। जैसे हर एक मनुष्य का अपना अपना निर्धारित लक्ष्य होता है, उसी प्रकार मेरा भी एक लक्ष्य है। चूंकि मेरा लक्ष्य बड़े होकर एक डॉक्टर अर्थात चिकित्सक बनना है, परंतु उससे पहले मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है एक नेक भरी व ईमानदार व्यक्ति बनना, जो दूसरों पर उपकार करना ही अपना उपकार समझे। अब मैं अपनी कविता का आरंभ करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कविता पसंद आए। लक्ष्य मेरा दिखा दे मुझको वही राह, तो सिखा दे मुझको, अभी तो आंखें नहीं है मेरी उस राह पर चला दे मुझको, मैं तो अभी नादान हूँ, बुद्धि व ज्ञान से अनजान हूँ। लक्ष्य मेरा दिखा दे मुझको, मैं इस दुनिया से अनजान हूँ, कहाँ जाऊँ किस ओर जाऊँ हर जगह से अनजान हूँ, कहाँ भटकूं कहाँ भूलूं मैं तो अभी नादान हूँ, बस इतना तो मैं जानता हूँ सबको अनजान मानता हूँ। कौन लक्ष्य दिखाए मुझे, केवल गुरु एवं माता पिता को ही अपना मानता हूँ। कौन लक्ष्य दिखाए मुझे, केवल गुरु एवं माता पिता को ही अपना मानता हूँ। लक्ष्य जहाँ धुंधला लगे वहाँ न छोड़ो ती, लक्ष्य जहाँ धुंधला लगे वहाँ न छोड़ो ती, नहीं सही जाती यहाँ दशरथ जैसी ती, नहीं सही जाती यहाँ दशरथ जैसी ती। धन्यवाद, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो और आप अपने लक्ष्य को पाने में पूर्ण रूप से प्रयासरत रहे, यही मेरे ईश्वर से कामना है।